खाना डिलीवर करके भी एक बच्चा $2000 हफ्ते का कमा रहा है। 4500 रुपया एक घंटे का मिलता पिया वा भांडे मांजने वाले बंदे नूं। तेरा तो गेम बजाना पड़े। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, सारे नूं की हाल चाल। तो भैया देखो, अभी अपन लोग लेने जा रहे ग्रोसरी। दिखा किधर, पैर किधर दिखा रहा ऊपर। हाँ तो भैया, इधर ना सिक्का डालना पड़ता है। बहुत सारे ना ऐसे होते हैं कि ट्रॉली वाली सर्विसेज ना खुद करनी पड़ती है। सिक्का डालो, इधर दिखा ना सिक्का। तो बहुत सारी जगह पे ऐसे कूल्स में होते सिक्का नहीं डालना पड़ता, बट एलडी वगैरह वाले जो स्टोर हैं या बनिक्स में भी शायद हम लोग को सिक्का डालना पड़ता है, फिर ट्रॉली मिलती है। अरे इन लोगों ने ना दूध महंगा कर दिया। पहले थोड़ा सा सस्ता था, $3 के समथिंग का कुछ आता था 3 लीटर वाला, अब वो 2 लीटर वाला कर दिया इन लोगों ने $3 का। महंगाई होगी भैया, महंगाई। तो शुरुआत में हमने इसमें सिक्का डाला था तब हमें ट्रॉली मिली थी, अभी हमें अपना सिक्का वापस चाहिए। ठीक है, तो ये वाली जो है किधर है, हाँ इसमें डालेंगे तो हमारा सिक्का बाहर आ गया देखो, और ऐसे निकाल लेंगे। अब ये लॉक हो गई। तो ये एक बहुत सही तरीका है कि एक अपना खर्चा कम करने का। बहुत सारी जो ऐसे क्या कहते हैं ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, ऐसे ही करते हैं सिक्के वाला सिस्टम, जिससे कि इनका खर्चा बचता है। एक बंदा इनको नहीं रखना पड़ता है ट्रॉली के लिए। बड़े बड़े क्या नाम है कोल्स और वुलवर्थ वगैरह, वो लोग अपने बंदे रखते हैं ट्रॉली पुशिंग वाले। अपने को अभी करनी है डिलीवरीज, तो सीन ऐसा है कि अपने को ना क्वेस्ट आया। क्वेस्ट ये होता है कि हमें कुछ टारगेट दिया जाता है कि आप इतनी डिलीवरीज करो और उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो जो अपने को क्वेस्ट आया वो है 105 डिलीवरीज का 4 दिन में। तो बहुत ज़्यादा बड़ा मुश्किल है कि वो हो पाए, बट फिर भी ट्राई करेंगे करने का। गर्मी हो गई, पहले टी शर्ट हुडी उतारी जाए। हाँ जी भैया, तो हमने डिलीवरीज उठा ली हैं, अभी ये डिलीवर करके आना है। और ऊबर में ये होता है कि दो दो डिलीवरीज आपको साथ में मिल जाती हैं। तो पहली डिलीवरी है 1.5 किलोमीटर की, कहाँ देके आना है, बैक डोर। तो हमने 2 डिलीवरीज कर दी हैं, अभी कोई और डिलीवरी नहीं आई है। तो हमें एक और ज़्यादा ऊँचा हो गया, हाँ तो हमें एक और डिलीवरी आई थी लेकिन हमने वो करी नहीं, क्योंकि वो थोड़े अलग जोन की आती है। तो हमने अपना एरिया बना रखा है कि हम इधर ही इधर करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। तो 2 डिलीवरीज करी है, $12 हो गए हैं। अभी हम लोग इस साइड में वेट नहीं करेंगे। तो जिस एरिया में मैं करता हूँ, तो उस एरिया का नाम है बुरांडा विलेज, ठीक है, बुरांडा एरिया। तो उसमें गाबा एनरली और सारे कुरकुरू वगैरह, छोटे छोटे जो सबर्ब्स हैं, छोटे नहीं मतलब ठीक ठाक जो सबर्ब्स हैं, वो आते हैं। तो वो एरिया काफी बिजी रहता है, तो इसलिए अपन लोग उधर ही करते हैं, क्योंकि एक वो सिटी के पास में भी है, तो आराम से आपको डिलीवरीज मिल जाती हैं। चलो उधर चलते हैं और रास्ते में आई जाएगी उससे पहले। गर्मी बहुत है इधर, बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी देखो जुलाई का टाइम चल रहा है, वैसे अगस्त के बाद मतलब अगस्त में ही आई थिंक होती है गर्मी ढंग से, बट जो ब्रिस्बेन है, ब्रिस्बेन बचपन से ही हॉट रहता है, मतलब जब से पैदा हुआ है तब से ये साला गर्मी है। गोल्ड कोस्ट अच्छा है। तो थोड़े दिन पहले मैं गया था गोल्ड कोस्ट, ठीक है, तो उस दिन एच के बीट्स भाई ने दी थी गाड़ी ठोक। तो अब जो वीडियो है वो आगे वो चलेगी, तो आप वो देखें, उसके बाद लौट के आना। Never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close. Hopefully, you understand G.O.D. Maybe this cold and I'm talking like no degrees. This ain't a fluke. I seen it way before it ever happened. He gave me the view. I had to put in my time on the TV. It coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant or an experience. You gotta get up and do what it do. So complicated, homie, it's you. Always gonna wait until you in the mood. I've been running.
कैसे हो? सत श्री अकाल जी। कैसा रहा सफर? सफर अच्छे रहे है। ससुआ अंदर किए नहीं हम, क्योंकि उस साल अंदर ज्यादा अंदर था। ट्रेन में कौन याद करे कि सुसु करना है। अपन आए हैं आज गोल्ड कोस्ट, ठीक आगे देखे आप इधर ना देखे। लाइसेंस आपके पास है ऑस्ट्रेलियन, हमें पता है, बट इतना भी खुश ना हो, आप गाड़ी तब भी ढक सकती है। तो चक्कर ऐसा कि हम लोग गोल्ड कोस्ट इसलिए है कि दुनिया भर के ना बहुत सारे मिथ्स हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है। आजकल कुछ हमारे एजेंट्स हैं बहुत ज्यादा चूतिया काटे जा रहे हैं आप लोगों का, तो वो चीजें आज क्लियर करनी, स्पेशल उसके लिए गोल्ड कोस्ट आया गया है। 50,000 समझ जाए। सुसु करवा तो कुछ खाइए, भूख लगी है। यूपी वाले काम छोड़ दिए हैं इधर आके। ओ वल्ला वल्ला वल्ला, इतनी बड़ी बिल्डिंग हमारे सरस्वती में है ही नहीं इतनी बड़ी। हाँ जी भैया, तो हम लोगों ने लंच कर लिया और भैया हमको लेके आए इधर झील दिखाने। पानी क्यों आ रहा है इधर? ये सुखना झील चंडीगढ़ झील। सारी झीलें या बीचेस इधर सुंदर नहीं होते हैं, कुछ गंदे भी होते हैं। ले बताओ, वो बोतल गिरी। ले 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 बताओ, धरो धरो। बेटी शर्मा की रही हो पुष्पा, गद्दे पे बैठ के कहाँ जा रही हो? चॉकलेट है अंधे, पानी नहीं है, वो चॉकलेट है, जाओ देख के आओ। तुम टेस्ट भी कर सकते हो, ऐसे है तो पानी तुम पीछे चॉकलेट है, ऐसा देखे का है आगे। हो पागल बनाया हो ही तुम, पागल बनाया। हाँ जी, तो अभी हम लोग आए हैं मैक्स ब्रेनर में कॉफ़ी लेने, ठीक है। तो तब तक पहली बात जो पहले क्लियर करनी है, तू किधर बैठेगा? इधर आया ना फिर? हाँ, तो पहला ऐसा सीन है कि अभी बहुत सारे लोगों को इंडिया में खबरें मिल रही होंगी, एजेंट्स आपको बोल रहे हैं कि 50,000 रुपये में आपका टूरिस्ट वीज़ा लगवा देंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप कि वो थोड़े से वो है क्या? 50-50 वो, हाँ वो लगा देना तुम। हाँ वीडियो में लगा सकते हो, क्योंकि वो सच में गलत है। तो 50,000 भैया, 50,000 में अगर मैं जा सकता ना तो मैं लिटरली लगाता, अगर मैं फंस जाता, ठीक है, तो तुम्हारा नॉर्मल होते ना। बट आई थिंक सो गलत है, जो बंदा इस चीज़ बोल रहा है वो पहले कनाडा के पीछे था, अब वो इसके पीछे आ गया। हम लोग नाम बता देते हैं, उस एजेंट का नाम है विनय, बहुत चूतिया काटता लोगों का। हाँ तो जहाँ से मत फंसो, जहाँ से बहुत मैसेज आ गए हैं। हाँ क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे मैसेज आते हैं भैया ऐसा वैसा। अभी इधर से निकल के फिर एक और बात बताएंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना अभी T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसके हिसाब से आपका टूरिस्ट वीजा लग जाएगा, उसका भी बताएंगे सर। थामो। तो भैया इधर कार्डलेस पैसा भी निकलता है, बिना कार्ड के निकलता है। चलो हाँ दबाओ। अरे सल्ली, अब कोड भरो, इसमें 8 डिजिट का कोड भरना पड़ता है। तो दिखा भी तो मुझे कुछ नहीं चले, फिर निकले। जनता तो इंडिया बैठी है, वो कौन सा कम बैंक से निकाल रहे हैं? एक ही बार चलता है, उसमें क्या निकालेगा? अभी बड़ा अमाउंट निकलेगा, अभी गिने का नोट है, गिन रहा गिन रहा गिन रहा, टाइम लगता है, गिन लेगा। ज़्यादा बड़ा अमाउंट है ना। अरे उठाओ, $20 की गड्डी। हाँ जी भैया, तो हुआ ये चक्कर था कि भैया जी पार्किंग से निकाल रहे थे, शायद आपने वो फोटो मैं ऐड कर दी है, उसकी वीडियो तो थी नहीं, क्योंकि वो वीडियो नहीं शायद हमने बनाई थी, फोटोज तो हमने ऐड कर दी, क्योंकि भैया जी पार्किंग से निकाल रहे थे, पीछे से एक यूटी आ रहा था, भैया जी ने देखा नहीं, ठोक दिया बहुत करारे से, तो उसका वो फिर एक्सेस वगैरह भरनी पड़ती है, वो लंबा फटका है उस चीज़ का। तो उस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे एजेंट्स के बारे में, काफ़ी सारे एजेंट इस टाइम आपको खुला चूतिया बना रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप होने वाला ऑस्ट्रेलिया में, तो आप जा सकते हो, आपका टूरिस्ट वीजा बहुत आराम से लग जाता है। भैया इधर आने का आपको बड़ा रीजन नहीं देना पड़ता, आपको वापस जाने का बड़ा रीजन देना पड़ता है कि वापस क्यों जाओगे इंडिया। और वो जो एजेंट है वो आपको बता रहे हैं कि 50,000 रुपए में अगर आपका टूरिस्ट वीजा लग जाएगा तो वो आपको खुला छूतिया बना रहे, बाद में वो आपको बोल देंगे कि आपका रिफ्यूजल आ गया है, कुछ भी है, कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट वगैरह लगवा के कुछ भी बताओ समझो। और दूसरी, मैंने उसी सेम एजेंट की एक वीडियो देखी थी, वो बोल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जो बर्तन धोने वाले भी हैं, डिश वॉशिंग करने वाले बच्चे हैं, वो लोग भी $90 एक घंटे कमा रहे हैं। इस टाइम $90 एक घंटे की तनख्वाह
ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ 4500 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋ ਖੁੱਲਾ ਚੂਤੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ $90 ਤੋ ਨਰਸਿੰਗ ਵਾਲੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੇ ਅਗਰ ਆਪ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਤੋ ਐਸਾ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋ $90 ਮਿਲ ਜਾਏਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ੈਫ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ੈਫ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਫਾਈ ਜਿਸ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੈ ਤੋ ਮਾਨ ਸਕਤੇ ਉਸਕੋ ਇੱਕ ਆਧੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮਿਲ ਜਾਤੀ ਹੈ $90 ਪੇ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਨਏ ਆ ਕੇ ਆਪਕੋ $90 ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੋ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਚੂਤੀਆ ਨਾ ਬਣੋ ਆ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਆਓ ਇਧਰ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਏਜੰਟ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਲੋਗ ਇਧਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਤਾ ਸਕਤੇ ਹਮ ਲੋਗ ਇਧਰ ਰਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਤੋ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਨਰਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੋ ਕੋ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਜੋ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋ ਜੋ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੋਬਸ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਜੈਸੇ ਇਧਰ ਐਸੇ ਧੱਕੇ ਖਾਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਪੇ ਤੋ ਉਨਕੋ ਇਤਨੀ ਪੇ ਕਭੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਬ ਤੱਕ ਹਮ ਲੋਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੋਬ ਹੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੋਬਸ ਹੋਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਮਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੇਤੇ ਹੈ ਖਾਣਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ $2000 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ $8,000 to $10,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ $10,000 ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹ 5-7 lakh ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਹਾਂ ਪੇ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਤੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਦੋ ਕੇ ਜਾਂ ਯੇ ਜੋਬ ਕਰਕੇ ਤੋ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੋ ਏਜੰਟ ਆਪਕੋ ਐਸੇ ਬੋਲੇ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਤੇ ਉਸਕੋ ਸੀਧਾ ਗਾਲ ਹੀ ਦੋ ਕਿ ਚੂਤੀਆ ਮਤ ਬਣਾਓ ਉਹ ਰੋਂਗ ਰੋਂਗ ਬੋਲੇ ਉਹ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਗੋਚੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਰੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜੋ ਐਸੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਏਜੰਟ ਹੋਤੇ ਹੈ ਉਨਕੇ ਪਊਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੈੱਟ ਹੋਤੇ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਮ ਉਨ ਪੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਪੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਲੋਗੋ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਏ ਹੋਏ ਕਿ ਫਰੋਡ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਤੋ ਉਸਕਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਤੋ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਫਸਾਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੇ ਰੱਖੇ ਹਾਂਜੀ ਭਈਆ ਤੋ ਅਭੀ ਦੁਪਹਿਰ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 2:02 ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਔਰ ਅਭੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਘਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਚ ਕਰਨੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਹਮ ਲੋਕ ਅਗਰ ਯੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨਾ ਹੋਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਹੰਗਰੀ ਜੈਕਸ ਪੇ ਨਾ $5 ਕੀ ਇੱਕ ਮੀਲ ਆਤੀ ਹੈ ਵੋ ਚਿਕਨ ਵਾਲੋ ਕੇ ਲੀਏ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋ ਮੀਲ ਆਤੀ ਹੈ ਉਸਮੇ ਆਪਕੋ $5 ਮੇਂ $4.95 ਮੇਂ ਵੋ $5 ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਸਮਾਲ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਬਰਗਰ ਚਿਕਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਕੋ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਕੀ ਵੋ ਛੋਟੀ ਸੀ ਵੋ ਛੋਟੀ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਡਰਿੰਕ ਦੇਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ ਅੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਰਗਰ ਵੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ ਮੁਝੇ ਅੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਰਗਰ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆਈਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਊਗੀ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਣੇ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਅਬੇ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਬਹਿਨ ਕਾ ਲੋੜਾ ਆ ਗਿਆ